अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, जिसका एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है, उसके बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिमांड कर रहे थे। वैसे तो आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 64,000 से ज्यादा सीट्स यूजी के लिए हैं, जिसमें मैक्सिमम एडमिशंस आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर होते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेस हैं 6 से 7 जिसका एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर भी होता है, और उसमें से बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस इज वन ऑफ द प्रीमियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कितना कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो स्टूडेंट्स वहां एडमिशन लेना चाहते हैं इस कोर्स में। अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स एट 10+2 लेवल एज फॉलोज, दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ऑल्सो अपीयर। जनरल कैटेगरी से हैं अगर आप तो 60% आपके क्लास 12th बोर्ड में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी है तो भी 60% चाहिए, अगर ओबीसी हैं तो 54%, और अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड या सीडब्ल्यू दैट इज चाइल्ड ऑफ विडो ऑलराइट तो 57% चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एससी एसटी कैटेगरी वाले को सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए क्लास 12th में। टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं तो टोटल सीट्स अवेलेबल ओवर हेयर इज 50 सीटें हैं टोटल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस कोर्स में। इस कोर्स का एम क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। दिस कोर्स इज ऑफर्ड बाय क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अंडर मेटा कॉलेज कॉन्सेप्ट, इन विच स्टूडेंट हैज द फ्रीडम टू डिजाइन हिज और हर ओन कोर्स और डिग्री बाय चूजिंग डिफरेंट पेपर्स ऑफ हिज और हर ओन च्वाइस और इंटरेस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। प्रोजेक्ट वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस। थोड़ा सा स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी जगाने के लिए, उनके अपने च्वाइस से कोर्स चूज करने के लिए ये कोर्स लाया गया है। ईच सेमेस्टर, ये 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है टोटल। कंपल्सरी सेमेस्टर लॉन्ग ग्रुप प्रोजेक्ट इन विच इन्वॉल्व द फील्ड वर्क, रिपोर्ट राइटिंग एंड दस फोस्टरिंग द कल्चर ऑफ रिसर्च एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल। ईच स्टूडेंट हैज टू चूज from the 4 streams offered in this course, and the concept of this course can be summarized as design your own degree, hands-on group projects, virtual learning, learn beyond the classroom, connect education with society and industry, inter or transdisciplinarity of holistic education. तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा development के लिए design किया गया है और students आगे बढ़ेंगे इस कोर्स को पढ़ने के बाद। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि परीक्षा 400 अंकों की होगी। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब थोड़ा सा और एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट में 100 क्वेश्चन तो होंगे, इसमें बेसिकली 4 पोर्शन होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जिसके अंतर जनरल साइंस भी इंक्लूड होगा, कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, हिंदी या इंग्लिश में से चूज करना होगा आपको, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी एट 10+2 लेवल। तो ये 4 विषय होंगे, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें अंग्रेजी हिंदी में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इतने सारे पार्ट से आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और कोई भी पार्ट फिक्स नहीं है कि इस पार्ट से 20 या 25 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक्स के अंतर्गत होंगे। परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी, तो आपको इस चीज पे अमल करना होगा। थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो देखिए कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है, चूंकि सीटें सिर्फ 50 हैं और 400 अंकों की परीक्षा है, तो इसमें से आपको मान के चलना होगा कि 250 प्लस का टारगेट ले ले। 250 प्लस का टारगेट रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत लैंड करेंगे। जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स के लिए महामना एजुकेशन हब के
चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल या इंग्लिश में जैसे कि ग्रामर पोर्शन भी होता है थोड़ा, और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी टेस्ट किया जा सकता है, पैसेजेस भी आ सकते हैं, अनसीन पैसेजेस भी पूछे जा सकते हैं, सेम गोज फॉर हिंदी। तो इसमें इडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें आ सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ प्रीपोजिशन से सवाल हो सकते हैं, तो इन सब चीजों को तैयार करके रखना होगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के लिए सबसे अच्छी जो बुक आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज आर एस अग्रवाल की बुक, बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है, अगर उसको अच्छे से आप कर जाते हैं तो आपको भरपूर मदद हो जाएगी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है इस कोर्स के बारे में या फिर इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए, हम जरूर उस पर अमल करेंगे और जरूरत होगी तो नया वीडियो भी बना करके आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, गुड लक एज ऑलवेज, नमस्कार वंस अगेन।